स्मार्टफोन हो कोई फर्क नहीं पड़ता, उस स्मार्टफोन से आप अपने वीडियो के बैकग्राउंड को ब्लर कर सकते हो। तो गाइस ये बिल्कुल सही बात है, कोई एप्लीकेशन नहीं है या यूट्यूब में जो वीडियो दिखा रहे हैं पहले तो टाइटल चिपका देते हैं कि हाउ टू ब्लर, यानी कैसे आप अपने स्मार्टफोन से वीडियो के बैकग्राउंड को ब्लर कर सकते हो। लेकिन जब भी आप वीडियो में घुसते हो तभी ये आपको पता चलता है कि वो फोन है, किसी इंटरनली फोन में ही ऐसा फंक्शन है, जैसे रियल में हो जाए, आईफोन 13 हो जाए या दूसरा कोई मोबाइल। तो ऐसा नहीं है, हर किसी के पास वो मॉडल नहीं रहता है। फिर वो लोग बोलते हैं कि मैंने डिस्क्रिप्शन में इस मोबाइल का लिंक दे दिए, इतना ज्यादा दाम नहीं है, 15-20 हज़ार का दाम है, आप लोग अगर वीडियो शूट करना चाहते हो, लास्ट में बोलते हैं फिर आप ये मोबाइल को बाय करना चाहते हो। यानी गाइस सारे तो यूट्यूबर नहीं होते हैं, ठीक है ना, सिर्फ और सिर्फ वीडियो शूट के लिए, यानी बैकग्राउंड को अगर ब्लर करना है उसके लिए एक मोबाइल को परचेस करूं तो आपका मोबाइल का बेकार हो जाएगा। तो मैंने एक ट्रिक आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, तो ये ट्रिक 110% काम कर रहा है, आप लोग देख ही सकते हो। मैं मेरा Asus ROG 5 से शूट कर रहा हूं, हालांकि मेरे मोबाइल में ऐसा कोई फंक्शन नहीं है कि वीडियो बैकग्राउंड को ब्लर कर दे, हालांकि ये प्रोफेशनल मोबाइल, लेकिन ये फंक्शन सारे मोबाइल में काम करेगा इसका गारंटी मैं लेता हूं, सारे मोबाइल में। तो जैसा मैं कहूंगा वैसा ही विदाउट स्किप करके वीडियो को देखिएगा, सारे ट्रिक आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है, नहीं तो कुछ भी नहीं सीख पाओगे गाइस, क्योंकि ये गाइस ओरिजिनल ट्रिक है। तो आप लोग शायद समझ नहीं पा रहे हो ठीक से, तो मैं आप लोगों को दिखाता हूं। अब देखो गाइस, लग रहा है ब्लर 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 ब्लर, देख लो लग रहा है ना ब्लर। तो मैं बैठ जाता हूं यहां पर, तो भाई देखिए लग रहा है ना ब्लर। अभी मैंने DSLR कुछ भी नहीं सेट किया हूं, DSLR मेरे बगल में फैला हुआ है, देख लो लग रहा है ना ब्लर। सिर्फ ये पकड़ के सारा कुछ जो है ब्लर हो गया है, देख लो। चलो भाई आपको अब नेचर वाली फीलिंग दिखाता हूँ कि छत पे ब्लर कैसा लगता है। तो गाइस आई होप कि देख ही सकते हो यार, बहुत ज्यादा प्रोफेशनल तरीके से लग रहा है। हाँ, पीछे का बैकग्राउंड देख सकते हो, मैं अब छत पे हूँ, ठीक है ना, देख सकते हो, वाओ जस्ट वाओ है। तो गाइस चलिए इस ट्रिक को जो है, इस ट्रिक को मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से समझाता हूँ, दिखाता हूँ, सबके मोबाइल में होगा गाइस, कोई महंगा मोबाइल नहीं है, कोई प्रोफेशनल मोबाइल नहीं है, कैसे करना है सब मैं डिटेल में बोलूँगा। यार धूप ज़्यादा है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा धूप है, तो देख ही सकते हो मैं घुमा फिरा के दिखा रहा हूँ एकदम प्रोफेशनल तरीके से, देख सकते हो यार, देख सकते हो बहुत ज़्यादा स्मूथली रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है ना। So, चलो यार तो भाई लोग काफी ज्यादा अच्छे से गौर करके आप लोग शायद वीडियो को देख लिए, तो कैसा लगा गाइस प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बोलना। अब मुद्दे पे आते हैं, कैसे गाइस इसको करना है, उसके पहले गाइस इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड रखते हो, आप अपने मोबाइल से अपने वीडियो को शूट कर रहे हो और वो भी प्रोफेशनल तरीके से, बैकग्राउंड ब्लर करके, अच्छा खासा नॉइस कैंसलेशन वाला, वॉइस रिकॉर्ड हो, कैसे करना है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जीत, आप सभी का दोस्त अर्शी का फिर से बड़ा बहुत तरह से स्वागत करता हूं आपका हमारा अपना चैनल जीत भाई ऑफिशियल पर। सो चलिए गाइस इसको शुरू करते हैं। सो सबसे पहले गाइस आपके पास एक स्क्रीन रिकॉर्ड होना चाहिए, यानी आजकल के हर एक स्मार्टफोन में इंटरनली स्क्रीन रिकॉर्ड रहता है जो कि एकदम रियलिस्टिक जैसा काम करता है, अच्छा खासा वॉइस ले लेता है, ठीक है। तो सबसे पहले गाइस स्क्रीन रिकॉर्ड होना चाहिए, उसके बाद आपके अगर महंगा फोन नहीं है, यानी आपके मान लो 7-8 हज़ार, 5-6 हज़ार, 10 हज़ार के बीच आपका मोबाइल का रेंज है, तो उसमें एक्स्ट्रा माइक नहीं रहता है, उसके इंटरनली माइक रहता है, फिर भी आप अगर एक बंद कमरे में, यानी मेरा जो कमरा है ऐसे कमरे में अगर आप शूट करते हो तो आपका कोई माइक का जरूरत फिलहाल नहीं पड़ता। अगर माइक लगा ले तो और ज्यादा प्रोफेशनल हो जाएगा, लेकिन अगर आपका सैमसंग मोबाइल या आईफोन या Asus ROG, जैसे मेरा फोन है Asus ROG, ये प्रोफेशनल मोबाइल है, तो मेरे को माइक का जरूरत नहीं पड़ता, क्योंकि ऐसे मोबाइल में 4-5 माइक एक्स्ट्रा लगा देते हैं, कोई फोटो के लिए, कोई वीडियो शूट के लिए, कोई गेमिंग के लिए, ऐसा कुछ, कोई नॉइस कैंसलेशन के लिए, तो एक माइक रहना चाहिए, यानी स्क्रीन रिकॉर्ड और एक माइक। तो उसके बाद गाइस आप एक स्टैंड पे अपना जो है मोबाइल लगा लेना, या रिंग लाइट के स्टैंड पे, या ऐसे लगा लेना, बीच में बिठाना कि आपका फेस एंड बॉडी एकदम बीच में आए, ठीक है ना, एकदम बीच में, कोई चूक नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब चलते ट्रिक के ऊपर। तो गाइस सबसे पहले गाइस आप अपने मोबाइल के स्क्रीन रिकॉर्ड को ऑन कर लीजिए, इसके बाद कैमरा को ओपन कर लीजिए। कैमरा को जैसे ही ओपन किए तो यहाँ पर जो पोर्ट्रेट मोड दिख रहा है ना, इसको कर दीजिए। तो गाइस देख लो, ठीक है ना, ब्लर आना शुरू हो गया है। अब क्या करना पड़ेगा, देखो सब कुछ ब्लर दिख रहा है, ठीक है, आपका फेस बीच में रहना चाहिए, ठीक है, सब कुछ ब्लर दिख रहा है। तो बीच में अगर फेस नहीं रहता है तो इसके लिए भी मेरे पास एक ट्रिक है। तो अब लेते हैं, थोड़ा बहुत कस्टमाइज करना पड़ेगा। कस्टमाइज क्या है, ये सेटिंग वाले ऑप्शन में जाओ, जाने के बाद यहाँ पर कैमरा जो है फुल स्क्रीन,
है इसको 4.3 पे कर दो। सारे मोबाइल में ही फंक्शन रहता है, नहीं भी होता तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। उसके बाद जो जो है वाटरमार्क जो है डिसेबल कर दीजिए, जो जो कुछ है उसको छोड़ दीजिए, ठीक है। इससे क्या होता है देखो, आपको कोई कटछट करने में आसान होगा, क्योंकि गाइस आपका जो फेस है एकदम बीच में ही है और आप कैमरा के एकदम बीच में हो, यानी जब आप स्क्रीन को कट करोगे तो ये जो ब्लैक डॉट वाला राउंड दिख रहा है तो आसानी से कट हो जाएगा, यानी आपके वीडियो प्रोफेशनल तरीके से फेस में आ चुका है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद देखो ये मोशन वाले जो ब्यूटी फेस होता है ये सब कुछ जो है मेरे पास ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, ठीक है। इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज कर लीजिएगा ताकि आप ज्यादा गोरा देखो, ठीक है ना। तो मैं गोरा हूँ क्या पता नहीं, लेकिन मैं सब कुछ फुल कर दिया ताकि अच्छा खासा दिखो, ठीक है। ये सब कुछ करने के बाद गाइस आपका जब वीडियो हो जाएगा तब इसको कट कर लीजिए। अब गाइस आप चले जाओ कोई भी एक एप्लीकेशन पे, जैसे पावर डायरेक्टर हो जाता है, आप जा सकते हो काइनमास्टर में, यानी कोई भी एक ऐप चलेगा, ठीक है। तो मेरे भाई लोग उसके बाद मैं काइनमास्टर को ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि मैं हालांकि पावर डायरेक्टर काइनमास्टर दोनों में ही काम करता हूँ, लेकिन मैं बेस्ट एप्लीकेशन मुझे लगता है काइनमास्टर ठीक है, ठीक है, क्रॉपिंग कन्वर्टिंग करने के लिए। काइनमास्टर ओपन कर लिया, उसके बाद न्यू प्रोजेक्ट में आओ, उसके बाद 16:9 आप अपने हिसाब से ले सकते हो, 9:16 यानी टिकटॉक वीडियो, इंस्टाग्राम वीडियो, यूट्यूब शॉर्ट वीडियो के लिए, ठीक है। तो मैं 16:9 ये क्लिक कर लेता हूँ, क्रिएट न्यू, उसके बाद इमेज में जाता हूँ, एक ब्लैक इमेज ले लेता हूँ, उसके बाद इसको लंबा चौड़ा अपने हिसाब से कीजिएगा आप, ठीक है। उसके बाद गाइस इसको बाहर क्लिक कीजिए, लेयर पे जाइए, मीडिया पे जाइए, आप अपना जो वीडियो रिकॉर्ड किए उसको क्रॉप करने के लिए उस वीडियो को सिलेक्ट कर लीजिए। तो मैं स्क्रीन पे आता हूँ, मैं इस वाले वीडियो को लूंगा, ठीक है। उसके बाद गाइस इसको क्रॉप करना है, कहाँ से क्रॉप करना है, जैसे मैं यहाँ से लूंगा, वीडियो के ऊपर क्लिक कीजिए, ट्रिम बाय स्प्लिट, तो इधर का हिस्सा रखना चाहते हो, इधर का हिस्सा छोड़ना चाहते हो, तो पहले ये हट गया, अपने हिसाब से ले लूंगा, ठीक है, मैं यहाँ तक ले लेता हूँ। फिर से ट्रिम कीजिए, अब नीचे वाले में क्लिक कर लीजिए तो साइड होगा, ब्लैक जो पर्दा है इसको थोड़ा बहुत वीडियो जितना बड़ा है उतना बड़ा कर दीजिए, तो यहाँ से इसको कर दीजिए, ब्लैक पर्दा को भी ट्रिम कर लीजिए, बस एडजस्ट कर लीजिए, अब अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। अब गाइस वीडियो को जो है रोटेट करना है, रोटेट करने के लिए वीडियो के ऊपर टैप कीजिए, ठीक है। उसके बाद नीचे आए, फंक्शन में आए रोटेशन, तो आप घुमाए घुमाए बस इसको थोड़ा बहुत बड़ा कीजिए, अब अपने हिसाब से क्रॉप कीजिएगा, ठीक है, बीच में लाओ, बैक कीजिए, उसके बाद क्रॉपिंग में जाइए, इसको क्रॉप कर लीजिए, बस बस हो गया, ठीक है। मैं जस्ट एग्जांपल के तौर पे दिखा रहा हूँ, लेकिन आप जब वीडियो शूट करोगे तो आप ध्यान पे रखे करोगे, ठीक है। तो क्रॉप से बैक हो जाता हूँ, अब इसको बड़ा करना है, तो अपने हिसाब से बड़ा कर लीजिए, ठीक है, बस ऐसे गाइस, तो आप अपने हिसाब से बड़ा कर लीजिएगा ऐसे गाइस, ठीक है। इसको आप रेंडम कर लीजिए या QHD किसमें करोगे, फिलहाल मैं ऑटोमेटिकली रहने देता हूँ, तो मैं सेव एस वीडियो जस्ट स्किप कर लेता हूँ, ठीक है, वो सेविंग हो रहा है, तो सेविंग हो गया। अब देखता हूँ वीडियो कैसा हुआ, कैमरा को जैसे ही ओपन किए तो यहाँ पर जो पोर्ट्रेट मोड दिख रहा है ना, तो देख लो, ठीक है ना, ब्लर आना शुरू हो गया है। अब क्या करना पड़ेगा, देखो सब कुछ ब्लर दिख रहा है। तो गाइस देख लिया आप कितने प्रोफेशनल तरीके से, कितना अच्छा नॉइस कैंसलेशन वॉइस के हिसाब से ये वीडियो शूट हुआ है। तो गाइस आप अपने हिसाब से कीजिएगा, मैं जल्दबाजी में आप लोगों को दिखाया, आप अगर टाइम दोगे, जितना अच्छा टाइम दोगे उतने अच्छा अपने वीडियो को जो है ब्लर कर सकते हो, ठीक है ना, तो आप प्रोफेशनल तरीके से कर सकते हो। तो यही ट्रिक था गाइस, थोड़ा बहुत मुश्किल था लेकिन गाइस बहुत ही ज्यादा आसान मैंने कर दिया आप लोगों के लिए। तो ऐसा कुछ एप्लीकेशन नहीं है, कोई भी सेटिंग की जरूरत नहीं है, आप अपने कोई भी स्मार्टफोन से आप क्रिएट कर सकते हो। तो आई होप ये वीडियो आप सभी को बहुत ही पसंद आया होगा, अगर थोड़े से पसंद आए तो प्लीज गाइस वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो नीचे कमेंट्स कीजिए, अगर आप इस चैनल नए हो तो प्लीज गाइस चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, पास में जो बेल वाला घंटा उसको भी क्लिक कर दीजिए, ताकि इस चैनल से जुड़ी हर वीडियो नोटिफिकेशन आप सबको एडवांस मिलते रहे। तो फिर मिलते कल और एक नए ट्यूटोरियल लेकर के, तब तक के लिए अच्छे से रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।